देखिए यहाँ से क्यू लगना स्टार्ट हो गई है। तुम तो फॉरनर जैसा लग रही है। ये देखिए एक फॉरनर मेरे पीछे है। वेयर फ्रॉम? इंडिया। इंडिया, ओके। दो बजे फिर मेरे को उधर भी जाना है। ताजमहल के गार्डन एरिया में है और अभी ताजमहल के अंदर जा रहे हैं। वाओ, व्हाट अ ब्यूटी, क्या बात है। ये अब ताजमहल के ऊपर आ गया हूँ, क्या बात। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ ताजमहल की नगरी आगरा से। बड़ा ब्यूटीफुल, लव का एक प्रतीक माना जाता है। आज आप लोगों को मैं ताजमहल दिखाऊंगा। मैं और मेरी पूरी फैमिली आई हुई है और ये होटल में मैं रुका हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल होटल है और जस्ट 5 से 10 मिनट के अंदर मैं निकलने वाला हूँ ताजमहल और आपको एक्सप्लोर करूँगा ताजमहल के बारे में। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। अभी मैं हूँ आगरा से। रिचा है, दक्ष है और ये छोटू लक्ष। फोर व्हीलर है बट मैं अभी निकला हूँ आपका ऑटो से, इसलिए क्योंकि ऑटो से नज़दीक भी पड़ता और काफ़ी सुविधा भी होती है। तो आप अगर आगरा आते हैं फोर व्हीलर से तो आप चाहो तो ऑटो से जाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और काफ़ी अच्छा सिटी हो गया है। मैं अगर बात करूँ आज से जो 7-8 साल पहले जो सिटी था और अभी के सिटी में बहुत डिफरेंसेस है, काफ़ी डेवलपमेंट हो गई है। तो चलिए मैं आपको ताजमहल दिखाता हूँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ताजमहल देखने के लिए और प्यार का प्रतीक माना जाता है दक्ष और यह है रिचा छोटू। वाह, बहुत बढ़िया। ये आपको दिखाई दे रहा हूँ, ये सीधी वाली रास्ती जो है वो जाती है, ये देखो। बस यहाँ से 100 मीटर दूर है ताजमहल। तो अभी मैंने गाइड भी बुक किया है और भैया आपका नाम क्या है? राहुल नाम है। राहुल है, तो ये राहुल जी हैं, इनका नंबर भी मैं आपका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और काफ़ी अच्छा इनका कहना है कि ट्रिप कराऊंगा, तो घूमने के बाद मैं एक्सप्लोर करूंगा कैसा इन्होंने ट्रिप करवाया है और कैसा एक्सप्लेन किया है। एक एक चीज़ ये बताएंगे। देखिए इस पे भी आप जा सकते हो इस गाड़ी से और ये गाड़ी 20 रुपीस लेगा आपका पार्किंग से लेकर ये आपको यहाँ तक लेकर आएगा गेट तक। एक चीज मैंने नोटिस किया, मेजोरिटी ऑफ फॉरनर है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ से क्यू लगना स्टार्ट हो गई है। यहाँ से क्यू लगना स्टार्ट हो गई, आज काफ़ी भीड़ है।
सैटरडे के दिन आया हूँ तो काफी भीड़ आज नजर आ रहा है। ये आपको भीड़ दिखाई दे रहा होगा। हेलो, तुम तो फॉरेनर जैसा लग रही हो। ये देखिए एक फॉरेनर मेरे पीछे है। वेयर फ्रॉम? इंडिया। इंडिया, ओके। ये अब ताजमहल के अंदर एंट्री कर चुके हैं। ये ताजमहल का ईस्ट गेट है जो आपने एंट्री करी है। इसमें वीआईपी लोग एंट्री करते हैं। और वो सामने देख रहे हो वो वेस्ट गेट। अच्छा, वो वेस्ट लोकल पब्लिक गेट। ओके, जो भी लोकल पब्लिक आती है सब उधर से ही। ओके ओके, ये शाही दरवाजा है। ये शाही दरवाजा है। ओके, ताजमहल जाने के लिए मैंने एंट्री गेट यही था। ओके, पहले कहा जाते थे गेस्ट जाते थे सब इधर से। ओके, नॉर्मल पब्लिक वो छोटे वाले गेट से, वो देखो छोटा एग्जिट कर रहे हैं, नॉर्मल वहां से जाती थी। ओके ओके, तो इसको बोलते हैं शाही दरवाजा। शाही दरवाजा, रॉयल गेट। तो ये रॉयल गेट था जिसमें आपके लोग एंट्री करते थे और वो नॉर्मल पब्लिक के लिए था। ओके, साउथ नॉर्थ चार गेट हो गए और चार ही गार्डन, एक वो वाला एक वो, एक वहाँ पर एक वहाँ पर, फोर गेट और फोर गार्डन। तो ये जगह बोलते हैं फोर फोर डेट, मतलब चार भाग है। ये सब लिखा हुआ है, ये मैडम लिखा हुआ पूरा। ताजमहल के अंदर जा रहा हूँ। ब्यूटीफुल ताजमहल, संगमरमर का बना हुआ है और ये सेवन वंडर में आता है। बहुत बढ़िया। अब मैं आप लोगों को ताजमहल दिखा रहा हूँ। ये देखिए भीड़ ताजमहल का, गजब का भीड़ है, गजब। न्यू ईयर के चक्कर में बहुत भीड़ है। ऐसे भीड़ तो रहती है यहाँ पे, लेकिन काफी भीड़ है, बहुत भीड़ है। तो बताइए, ताजमहल जो है सब सिमेट्रिकली बना हुआ है, सेम। मतलब आगे से आप देखोगे, हाँ, चारों साइड से, फोर साइड से सेम सिमेट्रिक। आप किसी भी साइड से देखो आपको सेम दिखेगा। आप जैसे आपको मैंने जो फ्रंट से दिखाया था तो ऐसे ही दिख रहा था, अभी मैं ताजमहल के अंदर आ गया हूँ और सेम ही दिख रहा है। आप देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा। गार्डन एरिया में है और अभी ताजमहल के अंदर जा रहे हैं। ताजमहल का
ताजमहल भैया कुछ बता रहे हैं। हाँ ताजमहल है 1631 में बनना चालू हुआ और 1653 में कम्प्लीट। अच्छा, पहले से 22 साल लगा था ताजमहल को बनने। ओके, और 20,000 मजदूर इसमें काम करते थे हमेशा कंटिन्यू। 20,000 मजदूर, 20,000 वर्क करते थे। 22 साल लगा ताजमहल को बनने पूरा कम्प्लीट। और अभी हम लोग जा रहे हैं ताजमहल के अंदर। छोड़ा जा रहा है, अब मैं अंदर जा रहा हूँ। ये देखिए अंदर अब इन हो रहा है, कॉर्नर है। वाओ, व्हाट अ ब्यूटी, क्या बात है। ये अब ताजमहल के ऊपर आ गया हूँ। ये देखिए इंडियन ट्रेडिशन हम लोग त्याग रहे हैं और ये फॉरेनर लोग साड़ी पहन के डांस। वाओ, हेलो हेलो, यू आर सो ब्यूटीफुल। हम लोग इंडियन ट्रेडिशन को और ये लोग इंडियन ट्रेडिशन को अपना रही है। अब एकदम अंदर पहुंच गया। वाह, ये है ताजमहल। इसके बाद वीडियोग्राफी मना है, इसके बाद वीडियोग्राफी फोटोग्राफी नहीं लिया जा सकता है। दिस इज द लास्ट फोटो, नहीं लेना। फॉरनर जितने हैं, ऑल आर फॉरनर, सारे फॉरनर हैं यहाँ से वहाँ तक। ऑल आर फॉरनर लुकिंग फॉरवर्ड। ऑल आर फॉरनर, इतने सारे फॉरनर हैं।